हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारे 3000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हुई है, उसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 से लगाकर 50 तक आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आई थिंक आप सभी लोग अपनी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक हम लगभग लगभग अपने 1500 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। तो आप भी बने रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा और मैं भी आपकी साथ लगा रहूँगा और हम क्वेश्चंस अपने पूरे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 से स्टार्ट हमें करना है आज क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास रहा, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया। इसमें से कौन सी नदी ऐसी है जो भारत से निकलती है, ना जो भारत से जिसका उद्गम होता है, किस नदी का उद्गम भारत से होता है? पेरियार रिवर, सतलज, आपको पता है भाई सतलज रिवर तो कहाँ से, राजस्थान झील से निकलती है। चेनाब रिवर, तो चेनाब रिवर जो है कहाँ से निकलती है, ये भारत से निकलती है, तो इसका उद्गम भारत में होता है। 27वां, भारतीय राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति कितने बार पुनः निर्वाचित हो पुनः चुनाव के लिए प्रयास कर सकता है? हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन अटेम्प्ट फॉर री इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। आपको पता है भारत में किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बार इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो यानी कि वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एनी नंबर ऑफ द टाइम। तो किसी कितने भी समय तक वो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना इलेक्शन लड़ सकता है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादक का निम्नलिखित में से कोई सा एक कारक नहीं है। तो भैया एक बार बताइए, आप कोई भी उत्पादन करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, तो लेबर यानी कि जो ये श्रम होता है ये तो एक कारक होता है। जमीन भी आपके पास होनी चाहिए तभी तो आपका प्रोडक्शन होगा, कैपिटल भी आपके पास होनी चाहिए, तो यानी कि बैंक जो क्रेडिट होगा, बैंक जो क्रेडिट है वो प्रोडक्शन का एक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रेंजर गैस इज नोन इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है, तो जो गैस होती है आपकी जेनॉन, तो जेनॉन XENON, जेनॉन गैस जो है आपकी क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। आप बताएंगे मुझे सूरत में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी इन्होंने, 1913 में, विद द परमिशन ऑफ, किसकी परमिशन ली थी? आपको पता है इन्होंने परमिशन ली थी किसकी, जहांगीर की परमिशन से। उस टाइम मुगल शासक कौन था, जहांगीर था, क्योंकि 1605 में अकबर मर जाता है, फिर 1605 के बाद लगा के 1627 तक कौन रहता है, जहांगीर रहता है। तो जहांगीर की परमिशन से इन्होंने क्या किया था, अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। चलिए 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नोट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो पैनक्रियाज है अग्नाशय वे भी है, आपकी जो पिनल ग्लैंड है ये भी आपकी एक एंडोक्राइन ग्रंथि जो ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसके बाद पूछा है नन ऑफ दीज, तो इसमें से कोई भी नहीं है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये सारी की सारी ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। चलिए 32, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना दैट ही वाज एम्बेसेडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि वह हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत है? तो भाई एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और बीजी तिलक। तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जो आपके जिन्ना है ये हिंदू मुस्लिम एकता के क्या हैं, एक एम्बेसडर हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे अच्छा रॉक कट टेंपल माना जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द बेस्ट रॉक कट टेंपल इन द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका कैलाश टेंपल है, एल्दोरा की गुफाओं में कैलाश का जो मंदिर है, तो ये आपका दुनिया का सबसे अच्छा रॉक कट टेंपल माना जाता है। भारत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अगर आपको कभी घूमना हो तो, ठीक है ना। द कोस्ट दैट चेंज द प्रोपोर्शन टू द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए बिजनेस प्रोड्यूस इज टर्म्ड एज। वह लागत जो किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के अनुपात में परिवर्तित होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। देखो ज्योग्राफी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि परिवर्तनीय लागत उसको कहा जाता है, जो व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु सेवाओं के अनुपात में परिवर्तित होती रहेगी तो उनको क्या कहेगा, परिवर्तित लागत कहा जाएगा। 35, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स हु अमंग द फॉलोइंग। लोकसभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर साहब होते हैं, वो विपक्ष के नेता को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री आल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था, तो विपक्ष के नेता द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज अपॉइंटेड बाय द लीडर ऑफ लोकसभा। चलिए वेयर वाज द 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये है आपका प्राग में आयोजित की गई थी 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था। चलिए
प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है, है ना? द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने वाला कौन सा है, द्विफोकसी लेंस है, द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस इसमें यूज किया जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने आरडीएक्स की खोज की थी, आपको सब पता ही होगा, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द आरडीएक्स, तो आरडीएक्स की खोज करने वाला कौन था, फ्रेडरिक हैन, फ्रेडरिक हैनिन ने क्या की थी, आपकी आरडीएक्स की खोज की थी, ठीक है ना। देखो डीएनए और आरडीएक्स ये दोनों आपको याद होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संप्रीति 11 एक्सरसाइज कहाँ स्टार्ट की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, वेयर वाज हेल्ड एक्सरसाइज संप्रीति 11 स्टार्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये की गई थी आपको मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य की राजधानी कहाँ पर है, शिलोंग है। और कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, आंसर्स देते हैं, जिसमें स्नेहा है, सन्नी है ना, ज्योति है, आंचल है, तो भाई अच्छा लगता है, तो हम सभी से उम्मीद करते हैं कि आप भी आंसर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगता है तो भी कर दो भाई, नहीं लगता तो भी कर दो, ठीक है ना। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे भी 250-300 लोग देख रहे हैं, है ना, कमेंट करते हैं 10-12, तो लाइक भी कर दिया करो यार, ऐसा मत करो, है ना। चलिए अगला देखिएगा, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी क्लेम्ड सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, तो कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता के मामले में दूसरी रैंक प्राप्त की गई है, तो ये की गई है लक्षद्वीप के द्वारा, किसके द्वारा, लक्षद्वीप। देखो भाई गोवा और मिजोरम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या है, आपके स्टेट हैं, और ये बात किसके द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की, ठीक है। चलिए ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला, मैंने कहा जहाँ भी पहली भारतीय महिला जाएंगी तो आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023, तो इसका नाम था सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति को अवार्ड दिया गया है 2023 का ग्लोबल इंडियन अवार्ड। अशोक अजीति मैं आपको बता चुका हूँ, ये गोल्फर बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। चलिए हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, रिसेंटली वेयर वाज KVIC इनोग्रेटेड खादी इंडिया, तो ये किया गया है IIT, ये किया गया है आपका IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ने KVIC खादी इंडिया आउटलेट का क्या किया है, उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, है ना, 10th शेड्यूल में लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसका होता है, ऑन एनी इशू प्रिटेंडिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इन द डोमेन नेम द एक्सप्रेशन .au स्टैंड्स फॉर, डोमेन नेम में अभिव्यक्ति .au के लिए क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो ये अफ्रीका संघ, अफ्रीकी यूनियन के लिए यूज किया जाता है .au, अफ्रीकी यूनियन। नाइजीरिया की कैपिटल आपको पता ही होगी क्या होगी, अबूजा, अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। 46, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त की जाती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज एनर्जी रिलीज, तो आपको पता है रेस्पिरेशन में आपकी जो ऊर्जा होती है वो क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसीजर, आपको पता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, सूर्य की एनर्जी का रिसोर्स होता है। वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एटमोस्फेरिक फिनोमिना इज कॉल्ड एज द मौसम विज्ञान, यानी कि मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो है मौसम से संबंधित घटनाओं के लिए, वायुमंडलीय घटनाओं के लिए कहा जाता है। और अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये हमने छोड़ दिया है ना, वायुमंडलीय घटने के लिए। क्यूरी किसकी इकाई है, तो आपको पता है क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी इज द इकाई ऑफ या यूनिट ऑफ रेडियोधर्मिता, है ना, रेडियो एक्टिविटी। चलिए भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, आपको पता है ये आपका ग्लोब है, ये आपका विश्व इक्वेटर लाइन है, या आपकी विषुवत रेखा है, या भूमध्य रेखा है, इसके समांतर जितनी भी लाइन खींची जाएंगी, ये समांतर खींची जाएंगे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इन सब को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स। और अगर हम सब कोई भी लाइन, ये हमारी जो मेरिडियन टाइम है, अगर हम इसके इर्द गिर्द खींचेंगे तो ये सब क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, तो ये क्या होंगे आपके अक्षांश होंगे। और कुल अक्षांश रेखाओं की लंबाई बात करेंगे तो ये कितनी होगी भाई, 189 होंगी हमारी भूमध्य रेखाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और हम बहुत फटाफट कर रहे हैं, ये हमारा लगभग 8 से 10 मिनट का शो होता है, लाइक जरूर किया करें और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है टाइगर्स, ओके जय हिंद जय भारत।